वर्तमान समय में प्रचलित ज्योतिष के अनुसार चंद्र की राशि, चंद्र के नक्षत्र और नक्षत्र के वर्ण अनुसार किसी बच्चे का नामकरण किया जाता है। जबकि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जन्म कुंडली में जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो, सबसे ज़्यादा बली हो और जन्म कुंडली में जो भी योग सबसे ज़्यादा बल में हो, जातक को उस योग और उस ग्रह के अनुसार ही नाम देना चाहिए। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर चंद्र पीड़ित हुआ अथवा पाप प्रभाव में हुआ, तो ऐसे में अगर चंद्र की राशि और चंद्र के नक्षत्र अनुसार अगर बच्चे को नाम दिया जाएगा, तो वह नाम कभी भी उस बच्चे के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएगा। उल्टा बच्चा अंतर्द्वंद की स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में योग कोई और ज़्यादा प्रभावी है और नाम किसी और राशि या नक्षत्र के आधार पर मिल गया है। तो ऐसे में होगा क्या कि बच्चे को जन्म से जो गुण मिले हैं, उसका मस्तिष्क उन गुणों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम कुछ और दिखा रहा है और व्यक्ति के, बच्चे के गुण कुछ और हैं। इसलिए प्राचीन समय में जब भी किसी बच्चे का नामकरण किया जाता था, तो विद्वान जोशी जन्म कुंडली में बनने वाले योगों को महत्व देते थे। आपने देखा होगा, भगवान श्री राम का नाम हो या भगवान श्री कृष्ण का नाम हो अथवा किसी भी महापुरुष का नाम हो, किसी का भी नाम चंद्र नक्षत्र पर आधारित नहीं है। अगर उनको नाम दिए गए हैं तो जन्म कुंडली में बनने वाले योग और ग्रहों के अनुसार। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष कहती है कि आपकी जन्म कुंडली द्वारा ही आपके नाम को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा नाम हमारी नियति है, हमारे गुणों को दिखाता है। इसलिए केवल जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति देखकर ही, उन पर आने वाले प्रभाव को देखकर ही एक नाड़ी जोशी आपको नाम का इंडिकेशन दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपका नाम यह है, आपके बच्चे का नाम का जो मतलब है वो यह है, अमुक नाम आपके बच्चे को दिया गया है या अमुक देवता के ऊपर आपके बच्चे को नाम दिया गया है। यह किस तरह से होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ। भृगु नंदी नाड़ी के प्रथम चार्ट में नाड़ी महागुरु श्री आरजी राव जी कहते हैं कि इस बच्चे का नाम भगवान शिव के वाहन नंदी के ऊपर होगा। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि जब भी हमें किसी बच्चे का नाम देखना हो, किसी स्त्री पुरुष का नाम देखना हो, तब हमें गुरु पुरुष कुंडली में और शुक्र स्त्री कुंडली में इन दोनों को लग्न बनाना चाहिए, और इन पर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि बच्चे का नाम क्या हो सकता है, उसके गुण क्या हो सकते हैं। जब भी हम गुरु अथवा शुक्र को लग्न बनाते हैं, तब हमें सबसे पहले देखना होता है कि इन पर किस ग्रह, किस राशि का प्रभाव सबसे ज्यादा बली है, उस ग्रह के स्वामी कौन से देवता हैं, उस देवता के ऊपर उस ग्रह के गुण के अनुसार ही बच्चे का नाम हो सकता है। जैसे कि अगर जन्म कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, तो बच्चे का नाम हनुमान जी के ऊपर हो सकता है, भगवान श्री कार्तिकेय के ऊपर हो सकता है, इंद्र देवता के ऊपर हो सकता है, अथवा बच्चे का नाम किसी योद्धा के ऊपर हो सकता है, क्योंकि मंगल एनर्जी को, युद्ध को शो करता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा बली है, तो बच्चे का नाम माता लक्ष्मी के ऊपर हो सकता है, माता सीता के ऊपर हो सकता है, धन के ऊपर हो सकता है, अथवा किसी बहुमूल्य रत्न के ऊपर हो सकता है। जन्म कुंडली में अगर बुध बहुत ज़्यादा बली है, तो बच्चे का नाम भगवान श्री हरि विष्णु के किसी अवतार के ऊपर हो सकता है, माता सरस्वती के ऊपर हो सकता है, किसी एजुकेशनल पर्सन के ऊपर या किसी एजुकेशनल टर्म्स के ऊपर हो सकता है। जैसे बच्चे का नाम ज्ञानी हो सकता है, लड़की का नाम विद्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से या माता सरस्वती से रिलेट करने वाला हो सकता है। जन्म कुंडली में चंद्र अगर बहुत ज़्यादा बली है, तो बच्चे का नाम माता पार्वती पर, आदिशक्ति पर हो सकता है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य बली है, तो बच्चे का नाम किसी राजा महाराजा के ऊपर हो सकता है, बच्चे का नाम भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर हो सकता है। जन्म कुंडली में अगर शनि बली है, तो ऐसे में बच्चे का नाम भगवान शिव पर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मैंने यहां पर गुरु को नहीं लिया। गुरु को ना लेने का कारण यह है कि जब भी हम किसी जन्म कुंडली से नाम देखेंगे, तो पुरुष की कुंडली में हम गुरु को ही लग्न बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में गुरु न्यूट्रल हो जाएगा,
गुरु के अपने क्या देवता हैं, क्या कारक हैं, वो सब के सब कुछ समय के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे। गुरु पर आने वाले अन्य प्रभावों से हम जानेंगे कि बच्चे का नाम क्या हो सकता है। जैसे कि इस जन्म कुंडली में बच्चे का नाम भगवान शिव के वाहन नंदी के ऊपर है, तो ऐसे में सबसे पहले तो गुरु के ऊपर कहीं ना कहीं भगवान शिव का प्रभाव आना चाहिए, और उसके बाद जन्म कुंडली में एक योग ऐसा बनना चाहिए जो कि नंदी भगवान को दिखाता हो। तो जब भी जन्म कुंडली में नाम देखेंगे तो गुरु पर आने वाले कुल प्रभावों में से जो भी प्रभाव सबसे ज्यादा बली होगा उस पर ही जातक का नाम होगा। अब हम अगर इस जन्म कुंडली में देखें तो गुरु यहां पर मकर राशि में बैठा है, तो गुरु पर जो पहला प्रभाव है मकर राशि का प्रभाव है, और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है, और शनि भगवान शिव के कारक है। तो पहला इंडिकेशन तो यह जाता है कि बच्चे का नाम भगवान शिव के ऊपर हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गुरु पर जो प्रभाव है वो है त्रिकोण से सूर्य और बुध का, सूर्य और शुक्र का, सूर्य शुक्र। और आप देखेंगे यहां, क्योंकि यहां पर बुध और शुक्र परिवर्तन में है, तो ऐसे में बुध का भी प्रभाव यहां पर है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जन्म कुंडली में सूर्य बलि हो, बुध बलि हो, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर भी नाम हो सकता है। तब यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सा योग सबसे ज्यादा बलशाली है, भगवान शिव के नाम का अथवा भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का। तो आप देखेंगे यहां पर सूर्य के साथ में शुक्र नीच का होकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं वह सूर्य की पावर को कम कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर शुक्र का नीच भंग है और बुध यहां पर उच्च स्थिति को प्राप्त कर रहा है, तो यहां पर फिर से एक प्रश्न आता है कि ठीक है, बुध ने उच्चता प्राप्त की, शुक्र का भी नीच भंग कर दिया और सूर्य को भी बल दे दिया, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से सूर्य बुध और शुक्र बलि हो जाते हैं, तो इस जातक का नाम भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर होना चाहिए। यह हमने देखा, किंतु हमें देखना है कि गुरु के ऊपर कुल मिलाकर किन ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव है और कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलि है। तो यहां पर हमारे माइंड में दो तरह के नाम आते हैं कि इस जातक का नाम भगवान श्री विष्णु पर होना चाहिए या फिर भगवान शिव पर होना चाहिए। अब अगर हम गुरु की स्थिति ध्यान से देखें तो यहां गुरु वक्री है, गुरु वक्री होकर धनु राशि में प्रभाव ले रहा है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो तो उसका प्रभाव उसके पिछले भाव में भी आ जाता है। तो अगर गुरु वक्री हो जाता है तो गुरु सूर्य बुध और शुक्र के प्रभावों को छोड़ देता है, तो ऐसे में यह पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि इस जातक का नाम भगवान शिव के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गुरु मकर राशि में है और साथ ही साथ गुरु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी इस जन्म कुंडली में उच्च स्थिति में बैठा है और वही बुध और शुक्र को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जो ग्रह उच्च होता है वो कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाता है। तो शनि यहां पर बुध और शुक्र को भी कंट्रोल कर रहा है, तो यानी कि शनि अपना नाम देने की स्थिति में सबसे ज्यादा है। तो गुरु पर और जन्म कुंडली पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वह शनि का है। इसके बाद प्रश्न आता है कि ठीक है, भगवान शिव का नाम हो सकता है किंतु नंदी नाम ही क्यों? इसको समझने के लिए आपको जन्म कुंडली में बनने वाले योगों को देखना होगा। नाड़ी ज्योतिष में यह योग बनाना किसी भी ज्योतिष विद्वान के लिए आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब भी जन्म कुंडली में योग बनाए जाते हैं तो उसमें राहु और केतु इन दो ग्रहों को प्रमुखता के साथ देखा जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर चंद्र का प्रभाव है या चंद्र बलि है तो माता पार्वती का नाम मिल सकता है। शनि का प्रभाव गुरु पर है, शनि उच्च है और गुरु वक्री होकर क्योंकि चंद्र और केतु का प्रभाव ले रहा है, तो ऐसे में शिव और शक्ति इन दोनों का नाम कहीं ना कहीं हो सकता है। अब इन दोनों से जो नाम रिलेट कर रहा है वो यहां पर नंदी का कर रहा है, वो कैसे? देखिएगा, जब भी योग बनाते हैं तो सर्वप्रथम राहु को देखना होता है। तरीका यह है, आप राहु और केतु को लिख लीजिएगा, एक छोर पर राहु, दूसरे छोर पर केतु, और बीच में रख दीजिएगा
राहु और केतु के बीच में आने वाले ग्रह। आप देखेंगे यहां राहु बैठा है, राहु से केतु तक जो ग्रह है, पहले आता है मंगल, फिर आता है गुरु और फिर आता है चंद्र। ये राहु हो गया, ये केतु होगा, ये हमने लिख दिया। अब इस राहु केतु के एक्सिस में मंगल आ रहा है, गुरु आ रहा है, चंद्र आ रहा है, तो यही योग इसको नाम देगा। अब क्योंकि गुरु भी इसके अंदर आ रहा था, तो ये यहां पर और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि यह योग इसको नाम देगा। अब राहु को नाड़ी ज्योतिष में कहा गया है मुंह। अब मुंह किसका है, देखिएगा मुंह किसका है यह भी तो देखना पड़ेगा ना। तो राहु को सबसे पहले प्रभाव मिल रहा है मंगल का, और मंगल किस राशि में बैठा है, मंगल बैठा है मेष राशि में। मेष राशि के मंगल को भैंसा कहा गया है, तो मुंह किसका है, भैंसे का है जिसके ऊपर सींग है, क्योंकि मंगल को सींग का कारक भी माना गया है। तो यानी कि एक मुंह जिसके ऊपर सींग लगे हैं और भैंसा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर गुरु है, चंद्र है, केतु है। गुरु को पेट का कारक माना गया है, चंद्र को दूध का कारक माना गया है, और केतु को पूंछ का कारक माना गया है। यानी कि एक भैंसा जिसके पास पेट है, जो दूध भी दे सकता है, जिसके पूंछ भी। अब यहां पर आप हंसेंगे और प्रश्न करेंगे कि भाई भैंसा कब दूध देता है या बैल कब दूध देता है, तो क्योंकि यह जन्म कुंडली एक पुरुष की है, तो इसलिए हम किसी गाय के ऊपर नाम तो नहीं दे सकते ना। तो इसलिए यहां पर इन चीजों को एक विद्वान ज्योतिष को खुद से समझना होता है कि यहां पर एक भैंसे का योग बन रहा है, और वो भैंसा पुरुष कुंडली में अगर भगवान शिव से संबंधित रखता है तो वह नंदी होगा। तो यहां पर जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ साथ ज्योतिष की अपनी योग्यता और योग बनाने की अपनी समझ भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी किताब और कोई भी गुरु आपको कारक समझा सकता है, योग बनाना सिखा सकता है, किंतु आपकी जो अपनी बुद्धि है वो किस लेवल पर आपको मार्गदर्शन देती है, यह आपकी अपनी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से अगर आप योग बनाएंगे तो आप जन्म कुंडली में लगभग 70% तक लोगों के नाम अथवा उनके नाम के अर्थ समझने में सक्षम होंगे। कम से कम इस जन्म कुंडली में यह देखकर तो बताया जा सकता है कि इस जातक का नाम भगवान शिव के परिवार के ऊपर होगा, क्योंकि गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव है, चंद्र का प्रभाव है, शनि भगवान शिव, चंद्र माता पार्वती, उसके बाद गुरु जब वक्री होता है तो मंगल का प्रभाव लेता है, मंगल का प्रभाव लेकर कार्तिकेय। तो इस स्थिति में इतना तो बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि इस जातक का नाम भगवान शिव के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर होगा। और अगर आपको योग बनाने आते हैं तो आप यहां क्लियरली कह सकते हैं कि नंदी नाम हो सकता है, या किसी भैंसे के ऊपर नाम हो सकता है, किसी गाय के ऊपर नाम हो सकता है। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति का नाम बहुत ही सरलता के साथ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ज़रूरत है तो केवल और केवल अभ्यास की।